दोस्तों अब ये देखें मैना के जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, आप इन पे पर वगैरह देख सकते हैं। ये देखें अभी भूखे हैं, मैं अभी इनको खिलाऊंगा अभी थोड़ी बहुत। ये देखें ये दूसरा बच्चा देखें, इनके माशाल्लाह से पर भी निकले हैं, ये चेक करें। ये देखें ये वाले पर तकरीबन इसे कहते हैं हाफ कवर हो चुके हैं बच्चे, तो अभी मैं इनको खिलाता हूँ कुछ ना कुछ। ये मैं लेकर आया हूँ स्लाइस, अभी इनको खिलाता हूँ। ये देखें ये मैं तकरीबन 3 घंटे बाद इनको खिलाता हूँ। माशाल्लाह से अब पर भी देख सकते हैं, पिछली वीडियो में आप देखें ये काफ़ी छोटे थे, अब माशाल्लाह से इसके पर भी और सर के ऊपर भी पर आना शुरू हो गए हैं। इनका पोटा वगैरह नहीं होता, ये थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर इनका जो पेट जो भर जाता है इसे पता नहीं चलता ये कहाँ पे रखते हैं, डायरेक्ट मुंह के अंदर चला जाता है। ये देखेंगे इसमें निकलना है, मुंह में रख के बैठे रहते हैं, अभी थोड़ी देर बाद जो निकल लेते हैं बाद में मुंह खोलते हैं। ये देखें ये इसने निकल लिया है और दोबारा मैं इसे खिला देता हूँ। इनकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हो रही है, ये देखें। अब छोटा बच्चा ये देखें खा रहा है, जो ये अंदर ले जाएगा दोबारा फिर ये खाना शुरू करेगा। ये देखें इसके मुंह मैंने डाल दिया है, अभी ये थोड़ी देर आराम करेगा। ये देखें इसके मुंह में डालता हूँ, ये इस तरह मैं डालता रहूँगा। ये देखें थोड़ा बहुत इनका पेट भर गया, सुबह मुझे जब मैं इनको लेके आया था तो ये काफ़ी भूखे थे, तो अब ये देखें माशाल्लाह से बढ़ना शुरू हो गए हैं। कभी कभी मैं इनको उबले हुए चावल भी डाल देता हूँ तो वो भी ये बड़े आराम से खा जाते हैं। ये देखें भैया नरम स्लाइस होते हैं वो मैं इनको डालता हूँ, कभी कभार चावल जो सिरी लैग में भूख के फिर भी इनको डाल देता हूँ तो वो भी ये बड़े आराम से खा जाते हैं। अब इनका तकरीबन भर चुका है पेट, ये देखें ये बिल्कुल अब खा नहीं रहे हैं, अब इनका पेट भर चुका है। दोस्तों मैं अपने बच्चों के लिए ये लेके आया हूँ इनको पानी के अंदर छोड़ने के लिए, इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगा, उसके अंदर इनको चराऊँगा बच्चों को। तो गर्मी आपके सामने है, ये देखें कितनी पसीना आ गया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जो बच्चे हैं अंदर पड़ी हुई हैं तो उनको मैं इसके अंदर डालूँगा पानी के अंदर। मैं तो सबसे पहले इसके अंदर हवा भर लेता हूँ, ये बिल्कुल हवा इसके अंदर नहीं है, फिर इसमें पानी डाल के आपको करा के दिखाएंगे। हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है इसको हवा भरने के लिए, इसलिए हम इसको मुँह से ही हवा भरेंगे। देखें ऊपर ऊपर वाला इसके अंदर हवा भरी है, अब इसके नीचे वाले ये स्टेप हैं, बाकी 3 से 4 स्टेप हैं इसके अंदर, तो सारे के अंदर हवा भरनी होगी।
दो के अंदर हवा भर चुकी है, तीसरे के भरते हैं, ये सीधा हो जाएगा। अभी हवा के बगैर ये टेढ़ा हुआ है। ये देखें, ये हो गया, इसके अंदर हवा भरे। अब इसके अंदर पानी डालेंगे, फिर पत्ते तोड़ेंगे इसके अंदर। ये हवा तो भी भर चुकी है। अब मैं कुछ इसके अंदर पानी डालूँगा, पानी के साथ लेके आता हूँ। दोस्तों मैं इसके अंदर मुकम्मल पानी भर लूँगा, पैर से इसके अंदर पानी भर, फिर इसको पत्ते छोड़ेंगे। अंदर फुल पानी भर लूँगा ताकि कुछ देर जो है इसमें उसके अंदर जाएँ। पानी भर लेता हूँ सारा। अभी तो एक स्टेप में पानी भरा है, दो स्टेप अभी बाकी है। पानी रख देते हैं, मैं बच्चे लेके आता हूँ और उनके बच्चे इसके अंदर डालते हैं। अभी आप उनको दिखाएंगे, थोड़ा सा रहने देते हैं ताकि उसमें बच्चे बाहर नहीं निकल जाएँ। अब तकरीबन दूसरा स्टेप भरने वाला है, दूसरा स्टेप इसमें ये येलो कलर का स्टेप है। दोस्तों फाइनली ये देखिए, मैं बच्चों के बच्चे लेके आए हैं जो मैं पिछले हफ्ते आपको दिखाए थे। माशाल्लाह से साइज़ आप देखें कितना बड़ा हो चुका है। अब मैं पानी में छोड़ने लगा हूँ इसको। ये देखें, ये एक हो गई, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें इसके साथ तैयार हो गई, बाहर निकलने की कोशिश कर। ये सात बच्चे हैं, ये देखें बच्चे। ये देखें, ये बाहर नहीं निकल सकती, मैंने पानी कम डाला है। अगर पानी फुल होगा ये बाहर निकल जाती। ये काफ़ी तैर रही है। ये देखें दोस्तों, ये अभी कुछ रोज़ ही मैं इनको इस पानी के अंदर, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मुल्तान की गर्मी आपको मिल पता है काफ़ी मशहूर होती है, तो ये कुछ ठंडे हो जाएंगे। ये देखें, अच्छे तरीके से तैर रहे हैं। इनको अगर मैं बाहर रख दूँ तो इनको कवर वगैरह आ जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ तो अंदर ही रखूँगा फिर, जहाँ पे वो बच्चे छोड़े हुए थे। ये वाइट कलर की है, ये देखें, और बाकी ब्लैक कलर के हैं। इसकी टांग को थोड़ा मसला हो गया था, मैंने छुट्टी बांध दी है, लेकिन ये देख कर के राखी सही कर रही है। नहीं देखिए, इतनी जल्दी पानी अच्छा हो गया, अभी का पानी डाला है इसमें।
पानी ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि उनके अंदर ठंडी रहे, नहीं या आप तालाब बनाए या उनके लिए छोड़ देंगे। सुबह भी इसको इस तरह इसके अंदर डालूंगा, फिर शाम को भी डालूंगा इंशाल्लाह, इसको इस तरह ठंडा रखेंगे क्योंकि गर्मी काफ़ी है आजकल। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल वैदिक वाल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ हमेशा नोटिफिकेशन के लिए आपको बस गाँव में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।